हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त तनिका। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और प्यार पे अब बहुत मूवीज़ आ चुकी हैं बॉलीवुड पे, तो कभी प्यार में शिद्दत होती है और कभी बेवफाई होती है, और उस बेवफाई से मूवी आती है तड़प। तो आज हम तड़प मूवी का ही रिव्यू करने वाले हैं। तो उसका रिव्यू जानने से पहले, और ये जानने से पहले मूवी देखनी है या नहीं, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं आपको बताती हूँ मूवी तड़प के बारे में। सबसे पहला बताऊँगी इसके बारे में एक सबसे बड़ी बात कि ये मूवी रीमेक है तेलुगु मूवी RX 100 की। तो इसकी स्टोरी में तो ऑब्वियसली कुछ नयापन नहीं होने वाला था। और ये मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, OTT पे भी नहीं आई है, तो पैसे ही लगाने पड़ेंगे। तो अगर तड़प मूवी देखनी है, पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, इसके लिए आप मेरा रिव्यू पूरा एंड तक देख लें। तो मैंने जैसा कहा कि स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है, रीमेक है RX 100 की। और अब मेन चीज़ बचा कि भाई स्टोरी नहीं है तो बचता क्या है, एक्टिंग, सॉन्ग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है मूवी में, BGM, स्क्रीन प्ले, क्या बचता है। तो बात करते हैं डायरेक्टली मूवी में एक्टिंग की। फालतू बकवास नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। अब मूवी में सबको पता है मेन एक्टर या मेन रोल में कौन है, वो है अहान शेट्टी। और ये उनकी फर्स्ट मूवी है, सुनील शेट्टी के सुपुत्र हैं। तो नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा बॉलीवुड में, पर इस मूवी में वर्ड बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अहान शेट्टी की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है। अब अहान ने तो मतलब लिटरली रॉक ऑन कर दिया है, और तेलुगु के कार्तिकेय को मतलब कम्पीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एज अ फर्स्ट मूवी उनने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। इंटेंस है रोल, काफ़ी इमोशनल है, मतलब ऐसा ना उसमें दिखाया गया कि कितना एग्रेशन आता है। अगर आपको प्यार में धोखा मिल जाए तो वो प्यार नफरत में कैसे बदल जाता है, और उसके बाद जो इंसान आपसे पूरी शिद्दत से प्यार करता है वो पूरी शिद्दत से नफरत भी करने लग जाता है। साथ में इनके लीड रोल में थी तारा सुतारिया। अब यहाँ पे तारा की एक्टिंग सर्च बोलूँ ओके थी। पायल राजपूत RX 100 की, भाई वो तो रिमार्केबल एक्टिंग थी उनकी। उनने तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, इस ढंग से एक्ट किया था कि मूवी तो भाई कुछ भी मतलब क्या बोलूँ, मूवी में बहुत सॉलिड एक्टिंग थी उनकी। तो यहाँ पे तारा उतना उनको कम्पीट नहीं कर पाई हैं। बॉलीवुड आजकल लगता है हॉलीवुड से बहुत इंस्पायर हो चुका है, और हम ये बहुत सारी मूवीज़ में देख भी रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला यार, इतने किसिंग सीन मतलब क्या है ये। आज हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ ना कभी कभी थोड़ी झिझक आती है पेरेंट्स या फैमिली वालों के साथ में देखने में, और तड़प मूवी में वो झिझक आपको फॉर श्योर फील होगी। तो ऐसी मूवीज़ थोड़ा मतलब भाई बॉलीवुड बॉलीवुड तक ही रहे तो ही ठीक है, पर यहाँ पर वो हॉलीवुड को भी बीट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग या स्टोरी पे नहीं, कुछ डिफरेंट एंगल्स में। तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। अब बात करते हैं मूवी में, मैंने जैसा कहा एक्टिंग तो बहुत सॉलिड है, और मूवी थिएटर में रिलीज़ हुई है, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। मेनली अगर आपको मूवी देखने जाना है तो अहान शेट्टी को देखने जा सकते हो। सॉन्ग्स प्रीतम के ऑब्वियसली सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट चल रहे हैं, आप सॉन्ग्स की वजह से भी मूवी देखने जा सकते हो। पर मूवी की स्टोरी पे नयापन नहीं है क्योंकि रीमेक है, पूरा क्लाइमेक्स आपको पता होगा अगर आपने RX 100 देखी है। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप तड़प देखने जा सकते हो क्योंकि आपको एक मतलब सही बोलूँ क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है मूवी का, मतलब जो ट्विस्ट दिया गया है वो मूवी बहुत अच्छा है। पर एज़ यूजुअल ये तेलुगु मूवी से इंस्पायर है, मैं बॉलीवुड वाले कब टॉलीवुड जैसी स्टोरी बनानी सीखेंगे पता नहीं मुझे। और सबसे राज की बात बताती हूँ, अगर तुमको पैसे जरूरत नहीं करने हैं, RX 100 हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime पे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका रीमेक बनाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो ऑलरेडी हिंदी में है, लोग देख चुके हैं, और जिनने नहीं देखी है ऑब्वियसली वो सोचेंगे यार हम ओरिजिनल देखेंगे, रीमेक क्यों देखेंगे। पर अगर किसी को अहान शेट्टी को देखना है और बॉलीवुड की मूवी देखनी है टॉलीवुड की जगह पर, तो वो ये मूवी ज़रूर जा सकते हैं। मैंने तो ये मूवी सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, वरना आई वॉज डैम हैप्पी विद RX 100। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अब आप समझ जाते हो, ऐसा डायरेक्टली बोलना सही नहीं होगा। तो इसी के साथ, पर आप मुझे डायरेक्टली सच बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगता है, जिससे आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलते रहें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।